हे गाइस, वेलकम बैक टू द कलेक्टिव। और इस वीडियो में हम देखेंगे डेटा टाइप्स के बारे में। और लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि प्रिंट कैसे कराते हैं किसी भी स्टेटमेंट को, या आपके जो कोड आपने लिखा है, जो आउटपुट आप देना चाहते हो। तो डेटा टाइप्स इस बार पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, इस लेक्चर में शुरू करते हैं। डेटा टाइप्स कितने टाइप के होते हैं इसमें? 5 टाइप के होते हैं। तो इसमें से सबसे कॉमन जो है वो है नंबर्स, इंटीजर और डबल। ये अभी हम इसको थोड़ा सा हल्का आगे एग्जांपल देखेंगे इनका। स्ट्रिंग्स होते हैं जो कैरेक्टर्स जिसमें लिए जाते हैं। बूलियन का काम होता है ट्रू फॉल्स रिटर्न कराना। और लिस्ट होती है जिसके अंदर हम अपने सारे एलिमेंट्स रखते हैं इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। और मैप होता है की वैल्यू पेयर का काम होता है। एक की होगी और उसकी एक वैल्यू होती है, तो उन दोनों का पेयर रहता है। जैसे कि आगे अगले लेक्चर्स में पढ़ेंगे, फिर भी एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि स्टूडेंट है और उसकी स्टूडेंट एक की है और उसकी जो वैल्यू है वो उसकी यूनिफॉर्म ले लो, तो इस टाइप में रहता है। या तो यूनिफॉर्म की जगह स्टडी ले लो, ये इसकी वैल्यू है। स्टूडेंट क्या करता है? स्टडी करता है। तो की वैल्यू प्लेयर हो गया, पेयर हो गया। अब स्टार्ट करते हैं हम लिस्ट इंटीजर से। तो इंटीजर को हम डिक्लेयर करते हैं इंट कीवर्ड से, और उसके बाद जिसमें वैल्यू स्टोर करानी है वो वर्ड, और कोई भी नंबर, इंट नंबर, इंटीजर नंबर। तो ये इसका डिक्लेरेशन हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्ट्रिंग का। तो इसमें भी स्ट्रिंग कीवर्ड होता है, स्ट्रिंग कीवर्ड लिखा, फिर जिसमें आपको वैल्यू स्टोर करानी है जिस वेरिएबल में, तो उसका नाम लिखा, इक्वल्स टू लगाया। और स्ट्रिंग हमेशा स्टोर होती है इन्वर्टेड कॉमास, सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में या डबल इन्वर्टेड कॉमास में। तो इसमें मैंने लिख दिया कुछ भी, द कलेक्टिव, और इसको हमने सेमी कोलन से बंद कर दिया। तो इस तरह से डिक्लेयर होता है स्ट्रिंग डार्ट के अंदर। अगर आप इसमें स्ट्रिंग के अंदर आप डिक्लेयर कर रहे हो 1, तो ये एरर देगा क्योंकि ये स्ट्रिंग टाइप का है, राइट? अब इसमें डार्ट टाइप्ड लैंग्वेज है, तो ये डायनेमिक है। इसमें आप कोई भी किसी भी वेरिएबल को आप डायनेमिक कीवर्ड बना सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।